हेलो दोस्तों, लखनऊ सुपर जायंट्स की हैदराबाद पर लगातार तीसरी जीत। 7 विकेट से जीता मुकाबला। मकंड का पहला शतक, पूरन ने 13 बॉल पर बनाए 44 रन, जिसके बाद पूरा पॉइंट टेबल बदला। तो बताएंगे आपको पूरे पॉइंट टेबल की जानकारी इस वीडियो में। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको बता दें कि लखनऊ सुपर जायंट्स ने इंडियन प्रीमियर लीग में सनराइजर हैदराबाद पर लगातार तीसरी जीत हासिल की है। टीम ने हैदराबाद को उसी के होम ग्राउंड में 7 विकेट से हराया। इस जीत के साथ ही लखनऊ ने प्लेऑफ में क्वालिफाई की और एक और कदम बढ़ा दिया है। टीम के खाते में 13 अंक हैं। अपने होम ग्राउंड पर हैदराबाद ने टॉस जीतकर बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 182 रन बनाए। 183 रनों का टारगेट लखनऊ के बल्लेबाजों ने 19.2 ओवर में 3 विकेट पर हासिल कर लिया, जिसके बाद पूरा पॉइंट टेबल बदल गया। तो चलिए आपको बताते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की जीत के बाद IPL 2023 के पूरे पॉइंट टेबल का हाल। पॉइंट टेबल में सबसे पहले नंबर पर गुजरात टाइटंस टीम है 16 पॉइंट के साथ, वहीं दूसरे नंबर पर चेन्नई सुपर किंग्स टीम है 15 पॉइंट के साथ, तीसरे नंबर पर मुंबई इंडियंस टीम 14 पॉइंट के साथ और चौथे नंबर पर लखनऊ सुपर जायंट्स टीम 13 पॉइंट के साथ है। पांचवें नंबर पर राजस्थान रॉयल्स टीम 12 पॉइंट के साथ, वहीं छठे नंबर पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर टीम 10 पॉइंट के साथ, सातवें नंबर पर कोलकाता नाइट राइडर्स टीम 10 पॉइंट के साथ, आठवें नंबर पर पंजाब किंग्स टीम है 10 पॉइंट के साथ और नौवें नंबर पर सनराइजर हैदराबाद टीम 8 पॉइंट के साथ और 10वें नंबर पर दिल्ली कैपिटल्स टीम 8 पॉइंट के साथ है। गुजरात टाइटंस, चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स पॉइंट टेबल टॉप 4 टीम है जो प्लेऑफ में क्वालिफाई करेगी। वहीं पंजाब किंग्स, हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स का IPL 2023 से बाहर होना तय माना जा रहा है। इसी तरह से क्रिकेट के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।